Good morning, all of you. आज मैं भारतीय समाज के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र साझा करूंगा और विद्यार्थी की भूमिका में जाऊंगा कि जरूर आप भी अपने विचार मुझे बताइए, अगर कहीं खामी रही है तो आपका स्वागत है कमेंट्स द्वारा। भारत के समाज में दो ही वर्ग हैं अर्थ के आधार पर, कॉमन और कॉरपोरेट। आज से जितनी अन्य शब्दावलियाँ हैं मैं इकोनॉमिक्स के टर्म, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को जुड़े हुए मेरे से, आज मैं उन साहिबान से भी कहूँगा, छात्रों से भी कहूँगा, IMB IIM के छात्र हैं, लो यूनिवर्सिटीज के छात्र हैं, बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया एंड बैंकर्स। अर्थ की भाषा में दो ही लोग होते हैं, कॉमन और कॉरपोरेट। उद्योग चलाता है और दूसरा उसमें नौकरी करके कमाता है, कॉमन एंड कॉरपोरेट। एक तो आप जब भी बजटिंग की बात आई या समाज चर्चा की बात आई, आप अपने आप को कॉमन करना शुरू कीजिए। यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा आपको, शासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। और बजट को हम दो ही भाषाओं में बदलेंगे सिर्फ, कि कॉमन को क्या दिया जा रहा है, कॉरपोरेट को क्या दिया जा रहा है। जब आप बैंक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको जाकर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे जो बजट हैं सरकारों की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, उनको समझना होगा। कॉमन से कॉरपोरेट बनना भारतीय आदमी बड़ा चाहत रखता है, और विशेष रूप से दो तीन समुदाय भारत के जिनको MBA की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के लोगों ने चाय बनाते बनाते होटल व्यवसाय में बदला उसको, और कॉमन से कॉरपोरेट राजस्थान, गुजरात और पंजाब के लोग बने। जो स्टडी की गई है, रिसर्च जो की गई है, तीन समुदाय, तीन प्रदेशों के जो लोग हैं वो अन्य भारतीय राज्यों के लिए प्रेरणा काम करते हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। वहाँ का होनहार छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते समय कहता है कि मैं एक बड़ा उद्यम लगाऊंगा, कोई कहता मैं लकड़ी का व्यापार करूंगा, कोई होलसेल डीलर बनूंगा, और बीकानेर ने तो नमकीन और मिठाई में धमक दिखाई है। उन लोगों ने 50,000 नहीं, 50 लाख कमाने में रुचि दिखाई, और धनी लोगों की कहा भी जाता रहा कि झुंझुनू वाला के बारे में 65,000 करोड़ रुपए की वाइट मनी है। तो कॉरपोरेट कॉमन और कॉरपोरेट सिर्फ दो, सरकार अपनी नीतियां स्पष्ट से बना ले। सिर्फ इस सरकार से मैं एक चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हर सरकारों से, राज्य सरकारों से भी और केंद्र से भी और पॉलिसी मेकर से भी, कॉमन को लोन दिया जाए। ये सिर्फ ये पॉलिसी और बैंकों के पास भी धन की आमद पूरी, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिक्विडिटी है, यानी नकदी है। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूँ मॉर्निंग सभा में कि उनको किसकी कसम खिलाऊं मैं भारतीय नेताओं और अफसरों को, हमारा उद्योग जगत बाहर नहीं गया पैसे लेकर, ये मैं ज़रूर कहूँगा। जो कॉरपोरेट था वो अपनी पूंजी किसी स्विस बैंक में रखकर नहीं है, ये भी बात बहुत सही है। लुटेरे जिन्होंने लूटा वो गया, परंतु मैं उनको लुटेरे कहने के बाद ये कहूँगा, पैसा भारत में रखें, खेत का पानी खेत में रहने दें, उस धन से यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर को, कॉमन सेक्टर को मदद करें, कॉरपोरेट में बदलें, चेंज कॉमन टू कॉरपोरेट। मैंने पहले कहा था भारतीय कौन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत होने जा रही, किसी के आंकड़े पेश करने जो इतनी गेम से 4 गुना बढ़ा हूँ या 8 गुना बढ़ा हूँ, ये बेमानी है सब बातें। कॉमन टू कॉरपोरेट, इसके लिए मैं महिला बाल विकास निगम से कहूँगा,
और महिला बाल विकास मंत्री उसी केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी और जितनी भी राज्य सरकारें हैं कि हम कुछ कॉमन से कॉरपोरेट एक कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, एक समाज सेवा राष्ट्र सेवा का बहुत बड़ा कार्य शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आपने ढेर सारों जो नीतियां बना रखी हैं वित्तीय लाभ के लिए जैसा कहा जा रहा है तो वो हम तक सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। अतः व्यक्तिगत रुचि लेकर मैं सबसे ज़्यादा इस महिला विश्वविद्यालय कंधों का भार माननीय स्मृति ईरानी और प्रियंका गांधी पर सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि इस देश की महिलाओं को बहुत कुछ दिया है। अगर सबसे अधिक किसी दल को दिया तो कांग्रेस और बीजेपी को, भारतीय मतदाताओं ने एक प्रकार से मैं कहूँगा ऋण दिया है, और उस ऋण को चुकाना इन दोनों दोनों का दायित्व बनता है। और उनकी प्रधान नेत्रियों से मैं कहूँगा कॉमन टू कॉरपोरेट निश्चित रूप से आप दोनों साथ हैं महिला विश्वविद्यालय के लिए, और जो भी सरकार की नीतियां हैं हम कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपसे लोन चाहते हैं सस्ती दर पर विश्वविद्यालय के लिए, जो एक हब बनाना चाहते हैं ताकि पढ़ाने वाली पढ़ा सके, पढ़ने वाली पढ़ सके, लर्निंग एंड टीचिंग का एक केंद्र, एक जॉब का केंद्र, बहुत बड़ा हब ऑफ जॉब उसमें बदलना है इस विश्वविद्यालय को। तो मैं निश्चित रूप से दोनों से फिर कहूँगा, प्रियंका जी से और स्मृति ईरानी जी से, कि प्रधान दल होने के नाते दोनों एक एक सांसद जीतने पर बहुत बड़े दावा करते हैं। मैं इसी से उनको तो हजारों सांसद दिए हमने, प्रियंका जी का दल तो इस आंकड़े को कभी पार कर गया था। पीढ़ी कई पीढ़ियों से इस भारतीय महिलाएं से ले रही हैं, अब कुछ देने का वक्त आ गया है दादी से लेकर आज पोती तक। तो मैं ये कहूँगा दोनों क्वाड बस पहुँचें और महिला विश्वविद्यालय को अपना समर्थन और सहयोग दें। धन्यवाद।